नाइन्थ क्लास की नेहा शर्मा थोड़ा परेशान है। पूछती है कि मेरे माता पिता और शिक्षक हमेशा परीक्षाओं में पिछले प्रदर्शन से मेरा आकलन करते हैं। वे हमेशा उन छात्रों के साथ तुलना करते हैं जो मुझसे बेहतर अंक अर्जित करते हैं और इस वजह से हमेशा मैं तनाव में रहती हूँ। ये बात मेरा आत्मविश्वास भी कम करती है और इसीलिए मैं पूरी तैयारी के बावजूद अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हूँ। मैं इस समस्या को कैसे दूर कर सकती हूँ? और ऐसा ही कुछ पूछा है जी न्यूज़ के माध्यम से अरुणा श्रीवास्तव ने। मेरा नाम अरुणा श्रीवास्तव है। मैं यहाँ दिल्ली NCR की कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। मैं आज बस इतना मतलब इतना कहना चाहती हूँ कि आजकल पीयर प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है, दोस्तों के बीच में इतना तनाव है कि दोस्ती कम और यहाँ आगे निकलने की होड़ कुछ ज्यादा ही है। ETV MP के माध्यम से युक्ति भी कंपटीशन से संबंधित सवाल पूछ रही है। परीक्षा के टाइम पे तनाव का ये कारण है कि मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसके परीक्षा के टाइम पे, तो बच्चों के उस पे ब्रेन पे प्रेशर पड़ता है कि ज़्यादा अच्छे नंबर लाने, अपने को फर्स्ट आना है, अपने को मतलब पेरेंट्स भी बोलते हैं कि अच्छे नंबर लाने हैं। माननीय, ये थी इन बच्चों के मन की बात। इस बारे में कृपया हमें कुछ बताइए। आप लोग युद्ध के विज्ञान को जानते होंगे या खेल के विज्ञान को जानते होंगे, उसमें एक व्यूहात्मक दृष्टि से एक सुझाव हमेशा आता है कि आप अपने मैदान में खेलिए। अगर आप सामने वाले के मैदान में जाते हो खेलने के लिए तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हो। अपने मैदान में खेलते हैं तो आप, अगर कबड्डी भी खेलते हैं तो अपने मैदान में जब खेलते हैं तो आपकी एक ताकत रहती है। युद्ध भी दुश्मन को अपने मैदान की ओर खींच करके लाओ फिर मारो, ये युद्ध के अंदर भी समझाया जाता है। अब आप अपने दोस्तों के साथ स्पर्धा में उतरते क्यों हो? उसका मैदान अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी परवरिश अलग है, उसका एनवायरनमेंट अलग है, उसकी रुचि अलग है, आपकी परवरिश अलग है, आपका एनवायरनमेंट अलग है, आपके सपने अलग हैं, आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं और इसलिए आपको उसकी पूरे इकोसिस्टम का पता नहीं है और आप उसको देखकर फिर उसमें फिट होने की कोशिश कर रहे हो तो अपना भी खो देते हो और उसको पा नहीं सकते हो और फिर निराशा में आ जाते हो और फिर माँ बाप की डांट पड़ती है। और इसलिए पहले तय करो कि आपके भीतर क्या चीज है, आप किस चीज में समर्थ हो, अपने आप को जानने की कोशिश करो। और इसमें आपके दोस्त मदद कर सकते हैं, आप चीजों को ऑब्जर्व करके कर सकते हो। आप उसी में आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास करेंगे तो आपको कभी भी, आप देखिए ये सारे जितने खेल जगत के अंदर बड़े बड़े नाम लेकर के आते हैं, कोई उनकी डिग्री पूछता है क्या? पूछता है क्या? कोई उसका साथी कहता है क्या, अरे मेरे क्लास में पढ़ता था बिल्कुल डब्बू था, बिल्कुल था, लेकिन अब वो डब्बू था लेकिन टेनिस खेलता था तो दुनिया में नाम कमा के ले आता था, क्योंकि उसने अपनी ताकत पहचानी, वो चल पड़ा। अपने मित्रों की ताकत थी पढ़ाई में, वो PhD होंगे, साइंटिस्ट होंगे, वो उस दिशा में जाएंगे। कभी कभार होता है खुद को न जानना, ये समस्या का एक कारण। एक, हमने जानना चाहिए अपने आप को। दूसरा, जब भी आप प्रतिस्पर्धा में उतरते हैं तो आपको एक तनाव महसूस करना पड़ता है। आप खुद को नहीं देखते हैं, उसको देखते रहते हैं, यार वो 4 घंटे पढ़ता है चलो मैं भी 4 घंटे पढ़ूंगा, वो 3 घंटे ये करता है मैं भी करूंगा। यानी आपका वही एक गाइड और फिलोसोफर बन जाता है अनजाने में। आप रहते ही नहीं हैं। आप खुद को देखो, खुद को समझो, खुद के लिए काम करो, आप देखिए। दूसरा, प्रतिस्पर्धा अपने आप हो जाएगी। आप चिंता छोड़ दीजिए, लोगों को आपके प्रतिस्पर्धा में आने दो, आप किसी की प्रतिस्पर्धा में मत जाओ। आपको अगर ये स्थिति पानी है कि लोग आपको स्पर्धा करने के लिए लालायित हो जाए,
लोग आपको मॉडल मान करके प्रतिस्पर्धा के लिए उतर, मुझे बनना है तो ऐसा बनना है, मुझे करना है तो ऐसे करना है, वो कब होगा? अगर आप अनुस्पर्धा करेंगे, खुद के साथ स्पर्धा। मैं पहले अगर 3 घंटे पढ़ पाता था, अब मैं 3.5 घंटे पढ़ पाता हूं क्या? पहले मैं 30 मार्क्स लाता था, अब 35 ला पाता हूं क्या? पिछली बार मेरा ये रिजल्ट आया था, पहले मैं 6 घंटे मेहनत करता था, इतना याद रहता था, अब मैं 2 घंटे मेहनत करके इतना एब्सॉर्ब कर सकता हूं क्या? खुद के साथ अपने एक पैरामीटर बना ले और डायरी लिख सकते हैं आप कि मैं कल था वहां से 2 कदम आगे गया कि नहीं गया। अगर एक बार हम खुद से 2 घंटे 2 कदम आगे चलना सीख लेंगे तो फिर उसका जो सेटिस्फेक्शन होता है, आपको किसी की शाबाशी की जरूरत नहीं है, आपके भीतर से एक ऊर्जा प्रकट होगी, जो ऊर्जा आपको नई क्षितिजों को पार करने के लिए किसी भी हेल्पिंग हैंड के बिना आपको ताकत दे सकती है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, आप प्रतिस्पर्धा के चक्कर से निकल जाइए, अनुस्पर्धा करें, स्वयं से स्पर्धा करें। कल जहां थे वहां से आज आगे जाएंगे। जिन्होंने दुनिया में आपने यूक्रेन का शायद एक ओलंपियर है मिस्टर बुका, शायद बुका, वो बांस कूद करता है, उसने अपने रिकॉर्ड खुद के 36 बार तोड़े, 36 बार, और हर बार वो, और जब गोल्ड मेडल आता है तो गले में इतना वेट हो जाता है कि लोग देखते रह जाते हैं। वो औरों को देखता तो शायद वहीं अटक जाता, चलिए अब गोल्ड मेडल मिल गया क्या है, नहीं, उसने तय किया ये रिकॉर्ड भी मैं तोड़ूंगा, मैं ये रिकॉर्ड भी तोड़ूंगा, मैं ये रिकॉर्ड भी तोड़ूंगा। हम अपने आप से अनुस्पर्धा करें, अगर हम अपने आप से अनुस्पर्धा करेंगे आप अपने आप बहुत बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं।